ग्वालियर पुलिस ने गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात इस साल 2022 की आखिरी कॉम्बिंग गश्त की है। लगभग 600 पुलिस जवान व अफसरों ने आधी रात को बदमाशों को घेरा। खुद एसएसपी ग्वालियर पूरे कॉम्बिंग गश्त की मॉनिटरिंग कर रहे थे। रात को 6 घंटे में पुलिस ने 250 बदमाश भी पकड़े हैं। इनमें से 152 गिरफ्तारी व 98 स्थायी वारंटी शामिल हैं। पुलिस ने रात भर में 300 से ज्यादा बदमाशों के घर पहुंचकर उनको चेक किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हवालात पहुंचा दिया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 350 बदमाशों को चेक किया, जो पूर्व में वारदातों में पकड़े गए थे। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जुट गई है। इस दौरान सड़क पर आवारा गर्दी करते मिलने वालों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। कॉम्बिंग गश्त किया गया है। गश्त के दौरान पुलिस ने 350 पुराने बदमाशों के घर पहुंची और उनकी पूरी जानकारी एकत्रित की है। इस दौरान उन्हें बदमाशी से दूर रहने की नसीहत भी दी गई। जो बदमाश सटीक जानकारी नहीं दे सका, उसे तुरंत ही थाने लाकर उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और इसके साथ ही लंबे समय से फरार 250 वारंटी भी दबोचे हैं, जिसमें 152 गिरफ्तारी व 98 स्थायी वारंटी शामिल हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान 13 शराब तस्करों को भी पकड़कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्यवाही के दौरान पुलिस से बचने के लिए कोई बदमाश पलक के नीचे तो कोई बदमाश छत पर छिपा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और पकड़ कर सीधे हवालात पहुंचा दिया। कॉम्बिंग गश्त में बीती रात पुलिस ने दो पार्टी तैयार की और इसमें एक पार्टी बदमाशों के घर दबिश दे रही थी तो दूसरी पार्टी सड़कों पर चेकिंग लगातार वाहन चालकों से पूछताछ में जुटी थी। पुलिस की कड़ाई को देखते हुए कुछ ही समय बाद सड़कें खाली हो गई। कॉम्बिंग गश्त में एसएसपी अमित सांगी सहित सभी एएसपी व सीएसपी शामिल थे और जैसे ही एसएसपी सड़क पर आए, कॉम्बिंग गश्त ने रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही समय में कई वारंटी दबोच लिए।